किंगडम प्रोटिस्टा को हम पढ़े थे, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने प्रोटोजोआ को पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ के जितने भी ग्रुप्स थे उन सबको हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद एलजी। एलजी का नाम आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा और अपनी जूनियर क्लासेस में इसकी डिटेल्स को भी पढ़ा होगा। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के लेक्चर में और उसके बाद फिर हम इसके ग्रुप्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। एलजी के बारे में ये क्या कहा जाता है या आप क्या जानते हैं एलजी के बारे में? एलजी को हम कहते हैं जी, ये है प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट तो चलो ये प्रोटिस्टा, क्योंकि हम ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्ट तो ये है ही। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट होने का क्या मतलब है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होने का ये मतलब है कि ये प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एलजी को अक्सर आपने देखा भी होगा, बल्कि मैं अगर आपको इसकी एक तस्वीर दिखा दूँ तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये साहब हैं जो कि पानी के अंदर पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, और इनके इनके जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये बेसिकली एलजी है। इसी तरह एक और पिक्चर है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही डेंस सा फॉरेस्ट है, और इसके साथ इसके अंदर जो पानी है उसके अंदर ग्रीन 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 ये आपको नज़र आ रहा है, जो जिसे हम नॉर्मली हम कहते हैं कि पानी बहुत गंदा हुआ हुआ है, गंदला पानी है। तो ये जो है बेसिकली ये ग्रीन पार्ट या ये ग्रीन ग्रीन ये जो पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है, क्या चीज़ है? ये एलजी है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, हमने कहा एलजी जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होना का मतलब है कि ये प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो कि एलजी और प्लांट्स की मिलती जुलती है वो ये है कि एलजी और प्लांट्स दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसका मतलब है कि जो एलजी हैं ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ इनकी प्लांट्स की तरह होगी, कुछ डिफरेंस भी है इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर और एलजी के अंदर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक तो सबसे पहला बिग बिग डिफरेंस वो ये है कि एलजी जब भी आप देखें वो साइज़ में आपको एलजी जो है वो छोटी होगी। प्लांट्स, प्लांट की एक पूरी बॉडी होती है जिसमें हमारे पास रूट, स्टेम्स, लीव्स होते हैं, वो बहुत बड़ी बॉडी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू एलजी। जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एलजी, तो डिफरेंस इसके अंदर ये आ जाता है कि पहला डिफरेंस हम कहेंगे इनके सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंस है। एलजी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो जब साइज़ छोटा है इसका मतलब है कि जो ऑर्गन लेवल पे जब हम बात करेंगे तो वो भी छोटे होंगे। जब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो एलजी है उसके अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी डोमेन के अंदर रहते हुए एक और बात, के एलजी के जो जाइगोट है, आपको एक पूरा प्रोसेस पता है कि सबसे पहले हमारे पास एग या एग और स्पर्म्स होते हैं, और उसके बाद एक जाइगोट बनता है, और फिर वो एम्ब्रियो और फिर एक ऑर्गेनिज्म की स्टेज पे आता है। तो जो जाइगोट स्टेज है जो कि एलजी के अंदर होती है, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। जाइगोट जो है, जाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। जबकि प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में ये होता है कि जाइगोट जो है वो पेरेंट बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, वो उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया है दोनों के अंदर। अच्छा, ये तो हमने प्लांट्स के साथ इसकी मुमासलत और फिर डिफरेंसेस को भी हमने देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं एलजी की ग्रोथ की तरफ। एलजी में जो ग्रोथ है नॉर्मली, या इसके जो सेल्स हैं वो तीन तरह से पाए जाते हैं। पहले तो हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं ताकि हम वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। ग्रोथ को हम देखना चाह रहे हैं, और ग्रोथ के अंदर मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ग्रोथ या डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जा सकते हैं। एलजी के अंदर यूनिसेलुलर, एलजी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेलुलर, और तीसरी जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस।
टस, ठीक है। तो ये तीन ग्रोथ फॉर्म्स जो है एलजी के अंदर पाई जा सकती हैं। तीन ग्रोथ फॉर्म्स का क्या मतलब है कि जो एलजी है वो यूनिसेलुलर एलजी भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यानी कि एक एलजी जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ढेर सारे सेल्स होंगे उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, और फिलामेंटस भी। अच्छा, फिलामेंटस जो है ये थोड़ी न्यू टर्म है, पहले हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। फिलामेंटस का क्या मतलब है? फिलामेंट का ये मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक दो तीन चार इस तरह से आपके पास फिलामेंट्स बने हुए हैं और यूं यूं इसके अंदर जो है ये आपके सेल हैं, ठीक है। इनका अपना न्यूक्लियस और वही जो स्ट्रक्चर एक सेल का होता है वो होगा, बट ये इनकी फॉर्मेशन कुछ इस किस्म की फिलामेंट्स के फॉर्म में होगी। अब इन फिलामेंट्स की भी आगे से टाइप्स होती हैं। फिलामेंट्स के अंदर आप हम कह सकते हैं कोइनोसाइट्स या नॉन सेपरेट भी होते हैं। उसमें उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको इस तरह की एक स्ट्रक्चर, ये एग्जैक्टली इस तरह का नहीं होता, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वॉल बनाई, ये वाली जो है ये एक वॉल है, ठीक है। तो जो नॉन सेप्टेट, लिख भी देती हूँ मैं आपको साथ में, नॉन सेप्टेट में क्या होगा, ये सेप्टा हम कहते हैं इस वॉल को। तो जो नॉन सेप्टेट है उसके अंदर फिर ये वाली वॉल जो है वो मिसिंग होगी और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो फिर इसी तरह से सिर्फ सेल्स, इस तरह नॉर्मली जो सेल्स होंगे वो यूँ पाए जाएंगे, इनके अंदर जो वॉल है बेसिकली वो नहीं होगी, वो मिसिंग होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोइनोसाइट्स, अच्छा। तो ये हमने ग्रोथ फॉर्म्स को देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं एलजी के कलर के ऊपर। अभी जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी उसमें आप देख सकते थे कलर, उसमें आपने देखा कि एलजी जो है वो हमें दो पिक्चर्स में ग्रीन कलर की नज़र आई। मोस्टली एलजी का जो कलर है वो ग्रीन ही होता है, लेकिन एलजी के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसका कलर चेंज भी हो सकता है। अभी हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स की जो एलजी है वो किस किस टाइप की होती है, किस कौन कौन से कलर्स में पाई जाती है। अच्छा, जहाँ हमने पिगमेंट 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 क्या होता है? पिगमेंट एक आप कह लें केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से एलजी के अंदर कलर आता है, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एलजी के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनका काम क्या है? एक तो ये कि वो उसको कलर देते हैं, बट कलर का कोई खास फायदा नहीं। पिगमेंट का सबसे बड़ा काम है कि वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हमने पढ़ा है कि जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर हमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो यूज़ होता है, ठीक है। जो एलजी है इसके अंदर भी ऐसा ही है, एलजी के अंदर भी क्लोरोफिल यूज़ होता है, बल्कि क्लोरोफिल की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वन बाय वन हम देखते जाते हैं। पिगमेंट की जहाँ मैंने बात की तो कौन कौन से पिगमेंट हैं जो कि एलजी के अंदर पाए जाते हैं, पहला एक मैं आपको साथ साथ लिख लिख के बताती जाती हूँ। एक पिगमेंट जो है वो तो क्लोरोफिल हो गया, इसके अलावा हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। और भी कुछ पिगमेंट, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल की भी आगे से टाइप्स होते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, बी सी डी और क्लोरोफिल ई, इस तरह से हमारे पास क्लोरोफिल की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर जो हमारे पास ये कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको बताया, कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी फिर इसके आगे से डिफरेंट टाइप्स होती है। एग्जाम्पल में हम कहते हैं जेंथोफिल, फिर इसके अलावा एक और पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं फाइको रेथ्रिन। तो जो फाइको एरेथ्रिन है ये भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है बेसिकली ये आपका जो ग्रीन कलर आता है प्लांट्स के अंदर या एलजी के अंदर वो इस वजह से होता है, क्लोरोफिल ए की वजह से, और यही मेजर कंपोनेंट होता है एक फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में हमने देख लिया कि कौन से पिगमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली जो होते हैं ना वो येलो और ऑरेंज कलर दे रहे होते हैं, ठीक है। कलर्स में अगर हम देखें तो कैरोटीनॉइड्स के जो कलर्स होंगे वो कौन से, मैंने कहा येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ये प्लांट्स के अंदर भी अक्सर ये पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इन पिगमेंट्स को पढ़ने की वजह क्या है? एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट इसकी एक और वजह या एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो पिगमेंट्स का पढ़ने का है वो ये है कि हम पिगमेंट के बेसिस पे एलजी की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ढेर सारे एलजी, अब अभी तक तो इतने ज़्यादा एलजी के जो ग्रुप्स हैं या टाइप्स हैं एलजी की वो हमें पता चल चुकी हैं, तो इतनी ज़्यादा एलजी को जब हमने क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई ख़ास रीज़न होनी चाहिए, कोई ख़ास बेसिस हो, कोई चीज़ हो जिसके जिसके ऊपर बेस करके हम क्लासिफिकेशन करें। तो वो इस केस में क्या है, वो है हमारे पास पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स के बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एलजी है या रेड एलजी है या ग्रीन एलजी है, तो ये क्यों है? ये इनके कलर्स या पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल्स को।
क्योंकि हम बेसिकली इंट्रोडक्शन को पढ़ें तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स को नहीं देखेंगे, जस्ट हम जनरल सी बातें कर लेते हैं इसके बारे में. लाइफ साइकिल जो है एलजी का, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेरिएशन पाई जाती है. एक्सट्रीम वेरिएशन हम क्यों कह रहे हैं, एक्सट्रीम वेरिएशन क्योंकि हर जो ग्रुप है उसके लाइफ साइकिल, उसका लाइफ साइकिल जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है. एक रेड एलजी को छोड़ के, एक जो हमारे पास रेड एलजी है इसको छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं. मोटाइल, मोटाइल का क्या मतलब है कि वो मूव करते हैं, ठीक है. मोटाइल सेल्स हैं, फ्लैजिलेटेड हैं और मोटाइल सेल्स हैं सब के सब ग्रुप में एक्सेप्ट रेड एलजी. बाकी लाइफ साइकिल को हम जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज हर ग्रुप का लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट है. इसके बाद हम आ जाते हैं हैबिटेट के ऊपर. वैसे तो जो अभी आपने पिक्चर देखी उससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि एलजी कहाँ पाई जाती है. मोस्टली आपने जो अपनी लाइफ में भी एलजी को देखा होगा वो पानी पे ही देखा होगा या वेट एनवायरनमेंट में ही देखा होगा. और इसका हैबिटेट भी कुछ इसी किस्म का है. एलजी मोस्टली मोस्टली जो होती है वो एक्वेटिक होती है. और कुछ ग्रुप्स इसके जो हैं वो जब एलजी ग्रो कर रहे होते हैं, स्पेशली जब ग्रोथ का टाइम होता है तो ग्रोथ के टाइम के ऊपर एलजी जो है वो हमें डैम्प एनवायरनमेंट, डैम्प या वेट एनवायरनमेंट तो इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है. डैम्प एंड वेट एनवायरनमेंट में एलजी जो है वो पाई जाती है. और जब मैंने मैंने बात की इक्वेटी की, तो ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब के सब जो है वो इक्वेटी को डिफरेंट जगहों पे जो है वो जहाँ पानी होगा या थोड़ा सा मॉइस्चर होगा वहाँ एलजी के ग्रो करने का चांस ज़्यादा होगा. अब वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये ओशंस में भी पाए जा सकते हैं. ओशंस तो इक्वेटी के अंदर ही ओशंस आ गया, ठीक है. और इसके अलावा फ्रेश वाटर है, इसके अलावा एलजी पॉन्ड्स में भी हो सकते. पॉन्ड्स में तो आपने अक्सर देखे होंगे कि वो पॉन्ड्स जिनको यूज़ नहीं किया जाता, जिन जो जहाँ पानी रुका हुआ होता है तो वहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन ऊपर देख सकते हैं. इसके अलावा एलजी स्ट्रीम्स में भी पाई जाती है, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स में भी, और इसके अलावा पोलर आइस. अब हॉट स्प्रिंग एंड और पोलर आइस से आपको अंदाज़ा है कि कितने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर भी एलजी एग्जिस्ट करती है, ठीक है. इसके अलावा ट्रीज़ के ऊपर, रॉक्स के ऊपर आपने अक्सर जो है वो एलजी को देखा होगा, ठीक है. तो ये डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे एलजी पाई जाती है. अच्छा, ये हमने एलजी का एक ओवरऑल एक देख लिया. इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के. एक दफ़ा हम लास्ट में लेक्चर के लास्ट में इसको समराइज भी कर लेंगे. क्लासिफिकेशन, हमने अभी पहले भी बात की कि हम पिगमेंट्स को यूज़ करते हैं. पिगमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं एलजी की क्लासिफिकेशन के लिए. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं. जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं एलजी को, हम कहते हैं कि एलजी को हम सिक्स मेजर ग्रुप्स के अंदर या सिक्स मेजर फाइलम्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं. और वो फाइलम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट हम कहते हैं युगलिनोफाइटा, उसके बाद है पायरोफाइटा, उसके बाद क्रायोफाइटा, फिर फियोफाइटा, उसके बाद रोडोफाइटा, और क्लोरोफाइटा. अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स या ग्रुप्स हैं एलजी के जिसमें हम एलजी को क्लासिफाई करते हैं. अब एक एक को हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. फिलहाल मैं भी आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ. जो युगलिनोफाइटा है, जो फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम युगलिनोइड्स भी कहते हैं. युगलिनोइड्स, ठीक है. युगलिनोइड्स की के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये जो मूव करते हैं वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं. और इसमें डिफरेंट पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, जिस तरह से. और युगलिना इसकी एक एग्जांपल है. युगलिना को तो आपने जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो युगलिना को भी हम अक्सर पढ़ते हैं, या प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल में युगलिना को अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं. अच्छा, पायरोफाइटा में क्या है. पायरोफाइटा जो है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर भी जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी है, इस तरह से डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल्स होते हैं. इनको जो कॉमन नेम है इसको हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स. वन बाय वन इनको हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में भी देखेंगे. अभी जस्ट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ. अच्छा, उसके बाद है क्रायोफाइटा. क्रायोफाइटा को हम क्राइसोफाइटा बेसिकली सॉरी अच्छा सॉरी ये क्राइसोफाइटा था. क्राइसोफाइटा जो है
इसकी क्या खसूसियात हैं? क्राइसोफाइटा जो है वो मोस्टली या यूजुअली हम इसे कहते हैं कि ये भी यूनिसेलुलर है, और इसके अंदर जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीनाइड्स हैं, और इसका जो कॉमन नेम है हम इसे डायटम्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फियोफाइटा, फियोफाइटा जो है वो ब्राउन एल्जी होती है, और ब्राउन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स कलर, उसके अपने कलर की वजह से उसे हम ब्राउन एल्जी कहते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं उसमें क्लोरोफिल ए आ जाता है, क्लोरोफिल सी आ जाता है। क्लोरोफिल को हम लिखते हैं पता है कैसे? क्लोरोफिल की जब हम एब्रिवेशन लिखते हैं हम उसको सी एच एल लिखते हैं, ठीक है, सी एच एल, और फिर उसके बाद हम सीधे क्लोरोफिल ए या सी एच एल सी, इस तरह से क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी कुछ पिगमेंट्स हैं जो उसमें होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोडोफाइटा। रोडोफाइटा से रिलेटेड एक मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर भी हमने बात की थी, रोडोफाइटा जो है इसे हम कहते हैं रेड एल्जी। रेड एल्जी की क्या खसूसियात हैं? एक तो ये कि ये मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है, बाकी सब अभी तक जो हमने पढ़ी है उनमें फियोफाइटा को छोड़ के जो बाकी ऊपर वाली थी वो सब के सब जो है वो यूनिसेलुलर, ठीक है। फियोफाइटा और उससे ऑनवर्ड जैसे रोडोफाइटा हो गया या क्लोरोफाइटा हो गया, ये सब जो है ये मल्टी सेलुलर, ये लास्ट थ्री जो कैटेगरीज हैं ये मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो रोडोफाइटा जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं कुछ, लेकिन मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, इसको हम कहते हैं रेड एल्जी। और इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा जो है वो इसे हम कहते हैं ग्रीन एल्जी। क्लोरोफिल वैसे नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये हमारे पास है ग्रीन एल्जी, मोस्टली जिसे हम देखते हैं या जिसे हम एलजी के नाम से पहचानते हैं वो ये क्लोरोफाइटा ही होता है। और इसके अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स यही पिगमेंट्स इसके अंदर भी होते हैं, और ये मोस्टली क्या मैंने आपको बताया ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और अच्छा लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, लोकोमोट तो नहीं बेसिकली ये करते, बट मूव करने के लिए जो ऑर्गन इनके लिए यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। मोस्टली के अंदर फ्लैजी, ये जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं इनके अंदर रोडोफाइटा और क्राइसोफाइटा को छोड़ के बाकी सब जो है वो फ्लैजेला के थ्रू ही मूव करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पूरा का पूरा ओवरव्यू हमने देख लिया एलजी का, या जनरलाइज थी हमने इसकी वो खसूसियात पढ़ ली कि एलजी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा हम इसको समराइज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर को। एलजी के बारे में हमने कहा था कि एलजी जो है वो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट है, उसके बाद हमने देखा कि एलजी और प्लांट्स के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं जो एक जैसी हैं और क्या क्या हैं जो मुख्तलिफ हैं। फिर हमने वन बाय वन एलजी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, हमने ग्रोथ को देखा, एलजी के ग्रोथ फॉर्म्स को देखा, उसके बाद हमने कलर्स को देखा, और पिगमेंट्स की बात की कि एलजी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी वजह से होता क्या है बेसिकली। फिर उसके बाद हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया और हैबिटेट को डिस्कस किया, हमने कहा एलजी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद एंड पे हमने क्लासिफिकेशन को देखा, एलजी को हम किन किन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सिक्स फाइलम्स की हमने बात की जो जो कि एलजी की हैं, और फिर उसके अंदर भी हमने एक एक की डिटेल्स को देखा कि हर जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या है। अब इन डिटेल्स को इन ग्रुप्स को बेसिकली अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वन बाय वन हम देखते जाएंगे कि ये दोनों ये सब ग्रुप्स जो हैं ये आपस में किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से डिफरेंट है, या इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आज का लेक्चर था।